साहब की डकैती सीसीटीवी में कैद। लगता है योगी सरकार में नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है। कोरोना महामारी में योगी के अफसरों का लगातार खौफनाक चेहरा सामने आ रहा है। बलिया में पुलिस और प्रशासन से जुड़े अफसरों की करतूत देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये है बलिया के सिटी मजिस्ट्रेट साहब। चालान के बहाने वसूली अभियान पर हैं। नकदी नहीं मिली तो बैटरी ही सही। साहब रौब दिखा कर 5 बैटरी उठवा ले गए। शायद साहब को नहीं पता था कि उनकी डकैती को खुफिया कैमरा कैद कर रहा है। बलिया में यह चर्चा लोगों की जुबान पर है कि साहब को भूख लगती है तो पशुओं का चारा भी नहीं छोड़ते। साहब ने चारा बेच रही बुजुर्ग महिला से वसूली का रिकॉर्ड बनाया है। ये टीम थी, नगर पालिका की थी, सीओ सिटी थे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, और इन्होंने खोला और हमारी दुकान को 25,000 रुपये का चालान किया एक पेपर पे लिख के। फिर हमने कहा कि हमने तो कोई कैश लेन देन की नहीं है, हमारे पास 25,000 कैश नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि बैटरी हम उठा कर ले जाएंगे, और अचानक उस इतना कहने के बाद उनकी टीम ने बैटरी उठाना शुरू कर दिया। हमें कहा कि हमें कुछ समय दीजिए या आप कोर्ट से भेजिए, हम उसको पेमेंट करेंगे। वो तब भी नहीं माने, वो 5 बैटरी हमारी उठा के लेके चले गए, जो कि बिल्कुल गुंडा राज है। नगर पालिका चेयरमैन अजय कुमार ने कहा कि उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं आई है, प्रशासन सरेआम लूट रहा है। जब मामले को लेकर मीडिया ने डीएम साहब से पूछा तो उन्होंने कह दिया नो कमेंट्स। वही योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा कि लूट सरकार की मंशा नहीं है, लेकिन अपनी जेब से दुकानदारों का पैसा वापस करूंगा। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में नवागत नगर मजिस्ट्रेट जो 5 अगस्त को ही ज्वाइन किए और 6 अगस्त को उनके द्वारा मुझे जानकारी में आया कि नगर में नगर पालिका परिषद संयुक्त टीम ने अनेक ऐसे दुकानदारों को जो अपनी दुकान खोले हुए थे उनको उनके ऊपर चालान किया, जुर्माना लगाया, और उसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें आई हैं जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। शासन प्रशासन पूरी तरीके से, जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, हमारे सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ ही कार्य करना है। जो परसों की शाम चालान किया गया है, जो जबरिया कार्रवाई की गई है, वो नहीं होना चाहिए था। और जिन लोगों का भी चालान हुआ है, जो पैसे लिए गए हैं, मैं नगर के उन सभी छोटे बड़े व्यापारियों को अपनी ओर से वो चालान का पैसा उनको कल मैं सभी को वापस कराऊंगा। जब ये हाल है मंत्री और उनके जिलों में अफसरों का, तो अंदाजा लगाइए क्या हाल होगा आम जनता का। बलिया से एनडीटीवी भारत के लिए अखिलेश सैनी की रिपोर्ट। एनडीटीवी भारत से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।